जेकर असी गल करिए सरकारां दी तां सरकारां ने लगभग 2 महीने बाद किसी भी श्रद्धालु नूं या किसी भी आम व्यक्ति नूं मंदिर दे विच जाण दी इजाजत दित्ती है, मंदिर गुरुद्वारियां नूं खोल दित्ता है, पर किहड़ियां शर्तां ते? ओह तुसीं जिद्दां कि तस्वीरां देखियां उन्हां शर्तां दे उत्ते कि हर बंदे दी स्क्रीनिंग होएगी, उस नूं सैनिटाइज़ कीता जाएगा, उस तों बाद अंदर जाण दी माहौलत मिलेगी। इस वेले असीं मौजूद हाँ जलंधर दे प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर श्री देवी तालाब मंदिर दे विच। ते तुसीं दूसरे पासे देख सकते हो एंट्री तो बाद भी मेन दरबार च जाण तों पहलां भी एक बार दोबारा स्क्रीनिंग हुंदी है, थर्मल स्कैनिंग हुंदी है, तुहानूं सैनिटाइज़ कीता जांदा तुहाडे हत्थां नूं, उस तों बाद ही अंदर जाण दी इजाज़त दित्ती जांदी। जेकर तुहाडी बॉडी टैंपरेचर जिहड़ी है वह 36 डिग्री सैलसीयस या 100 डिग्री फैरनहाइट तो ज़्यादा आता है तो तुहानूं अंदर जाण दी इजाजत नहीं दित्ती जाएगी। तो जेकर असीं गल करिए सोशल डिस्टेंसिंग की तो उसनूं बखूबी इत्थे मेनटेन किया जा रहा है, क्योंकि एक टाइम के उत्ते दरबार के विच भी जाणियां तो ज़्यादा किसी नूं भी जाण दी इजाजत नहीं है। तो जेकर असीं गल करिए प्रसाद की, लंगर की या चरनामत की, तो वह बिल्कुल भी देने की इजाजत नहीं है, सब कुछ इस वेले बंद है, तो कि जीरो कंटैक्ट नूं मेनटेन किया जा सके। तो साढ़े नाल इस वेले कुछ ऐसे इत्थे लोग भी मौजूद है जिन्हां नाल असीं गलबात करना चाहवांगे कि सर लगभग 2 महीनों बाद लॉकडाउन के चलदिया इजाजत दिती गई है कि मंदिर गुरुद्वारों के जा सकते हो, मत्था टेक सकते हो, किस तरह का लग रहा है ते की तुहानू लग्या कि कमी रह गई या कि चंगा काम किया गया सरकार वल्लों? ये सरकार ने जो हमारे कैप्टन साहब हैं, सरकार है हमारी पंजाब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो आज मंदिर खुले हैं और सारे मंदिर गुरुद्वारे सारे खोल दिए गए, बहुत खुशी का लगा कि आज का दिन जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी लोग जो इतने दिन से 2-2.5 महीने से तरस रहे थे दर्शनों के लिए, आज उनको मौका मिला है दर्शन करने का, हमें बहुत खुशी है, हम सरकार के आभारी जिन्होंने ये काम खोला है। और ये थोड़ा सा खोला है मंदिर, बाकी हम तो चाहते भाई और भी खुल जाए, और बाकी इसी प्रकार जिस तरह उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा है इसी प्रकार अपना सावधानी बरतें, और ताकि सब जगह सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, हमारी ये मानसिक कामना है। जेकर असी गल करिए कि होर पूरी तरह खुलन की गल की, तुसीं की चाहते हो कि होर केड़ियां इजाजतां जिहड़ियां सीगियां सरकार वल्लों दित्तियां जाणियां चाहीदियां सी? आ जो इजाजत है जो एक भाई जो धार्मिक कार्यक्रम जैसे हो नहीं रहे मंदिर के अंदर, इसकी हम सरकार से अपील करते हैं कि इसकी इजाज़त दी जाए। हम ये है कि जिस तरह माँ के दरबार में दरबार सजता है, माँ का शाही दरबार सजता है, भगत जन आते हैं, माँ की बेटे बोलते हैं, इसी प्रकार हमारी सरकार से अपील है कि ये इजाज़त दी जाए कि जो धार्मिक कार्यक्रम है वो भी और राजनीति कार्यक्रम वो भी जो सब जगह वो भी खोल दिए जाए। हमारी सरकार से अपील है और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द खोल दें। सो जिवें कि श्रद्धालुओं की अपनी अपनी मंगा ने, अपन अपन एक डिमांड्स ने, वो हमेशा कोई ना कोई नवी निकल के सामने आती रहती है। जेकर असी गल करिए एंट्री दे उत्ते भी तुहानू मास्क पाउणा बहुत जरूरी है, जेकर तुसी मास्क नहीं पाया होया तां भी तुहानू एंट्री तो वर्जित कर दिता जांदा है। जेकर तुसी मास्क नहीं पाया होया, खास तौर ते लेडीज़ ने, ते उन्हां नू चुन्नी लपेटण लई स्पैशली कहा जांदा है। ते हुण जेकर असी गल करिए साफ सफाई दी, ते मैं पिछे दिखा देना चाहुंदा हां कि जिन्नी भी साफ सफाई आम तौर ते हुंदी है उह सारी साफ सफाई दे नाल नाल उस दे विच डिसइनफेक्ट्स पाए गए ने, ते इन केस जेकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है या लोग ज़्यादा आ जाते हैं मंदिर दे विच, ते उस दे लई भी सोशल डिस्टेंसिंग दे चलदे आ 3-3 मीटर ते 2-2 मीटर दे उत्ते घेरे बनाए गए ने जमीन दे उत्ते, तां जो भीड़ नूं इकट्ठ नूं अवॉइड किया जा सके। इस दे नाल एक चीज़ ये सामने निकल के जरूर आई है कि लोगों के मन दे विच ये चीज़ जरूर है कि प्रसाद या चरनामत जिहड़ी है वह जरूर मिलनी चाहिए है लोगों नूं, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ, ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94647, 84374 94648।